हम लोग ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे प्रोजेक्शन फ्रॉम ऐसा ग्राउंड से पढ़े थे इस तरह से, अगर प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर हो रहा है, कोई टावर पे आप एक प्रोजेक्टाइल को आप एक वेलोसिटी वी या यू यू ले लेंगे, यू हॉरिजेंटल वेलोसिटी से लेंगे तो टावर पे ऐसे जाके गिर जाएंगे। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका रेंज, ये सब कैसे निकालेंगे? तो वही हमारा तरीका, ये वाई एक्सिस हो जाएगा हमारा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है, इसको वाई एक्सिस नहीं लेते हम लोग, ठीक है, इसको नहीं लेते हम लोग, हम वाई एक्सिस किसको लेंगे, यही एक्स वाई एक्सिस अपना, ओके, जहां से आप थ्रू कर रहे हो, सॉरी, हाँ ठीक है। प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर में आप टावर से फेंकोगे यू वेलोसिटी से, ये अपना एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये अपना वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें वही पुरानी ये दो बातें, मुझे बताओ आप जब इसे थ्रो कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब क्या रहेगा? तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिख लेता हूँ पहले, ओके हाँ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स क्या रहेगा देखो, और यू वाई क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने इसको ऐसे थ्रो किए, ये एस साइड यू से थ्रो किए, तो एक्स के अलोंग यू का कंपोनेंट, यू के एक्स के अलोंग यू का कंपोनेंट क्या रहेगा? जो कर रहे हो प्रोजेक्टाइल को आप, उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू देके प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आप वेलोसिटी नहीं देंगे तो डायरेक्ट गिर जाएगा, लेकिन आपको उसको ऐसे मूव कराना है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हो यू, तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये रहेगा यू वाई। अब मुझे बताओ यू एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या रहेगा? वो कंप्लीटली यू है, ठीक है, और यू वाई क्या रहेगा? हमने कोई वेलोसिटी इनिशियल दी नहीं वाई के अलोंग, तो वो क्या हो जाएंगी? जीरो। समझ रही है बात आपको? वैसे ही एक्सलरेशन, हमने एक्सलरेशन एक्स के अलोंग नहीं दिया, तो एक्स इक्वल टू जीरो, हमने एक्सलरेशन वाई के अलोंग भी नहीं दिया, वाई ऐसे होता है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी है और इस डायरेक्शन में जी लग रहा है, तो इसलिए ए वाई इक्वल टू माइनस जी, तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा और एक्सलरेशन हो जाएगा अलोंग दिस। अब देखते हैं इसमें भी हम वही बातें निकालेंगे जो उधर निकाले थे। सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लग रहा है इसे फ्लाइट करने में, यहां तक पहुंचने में। तो बेसिकली अगर हम y के हिसाब से देखें तो y हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये देखेंगे हम लोग y के हिसाब से। अगर देखें अब q के इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और y जो ट्रेवल हो रहा है, y इसका अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को y में कंपेयर करूं तो माइनस h हो रहा है हाइट, अगर h है तो यू वाई जीरो माइनस हाफ जी जी इज जी एंड टी स्क्वायर कैपिटल टी से अगर रिप्रेजेंट कर दो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहां से आपको मिल जाएगा टी इज इक्वल टू टू एच बाई जी, टू एच बाई जी का रूट, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टी इक्वल टू टू एच बाई जी। अच्छा सुनो, अब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल गया है ना, अब मुझे चेक करना है कि रेंज क्या, इतना रेंज जाएगा मतलब कितनी दूर तक जाएगा या ये रेंज। अब मुझे बताओ ये रेंज में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? टाइम तो देखो जितना उसको आने को लग रहा है टाइम लग रहा है वही टाइम है, यहां से यहां जाने के लिए भी एक तरीके से,
तो रेंज में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है रेंज निकालने में, यहां से यहां जा रहा है एक तरीके से अगर, तो हम कैसे देखेंगे? आर विल बी इक्वल टू, बोलो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, हाँ बोलो कुछ पता है आइडिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ यू इंटू टी, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, टी इज द टोटल टाइम, टाइम तो सेम ही लगने वाला है, ये अगर लेंथ निकालनी है मेरे को तो ये लेंथ में सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि मेरे को ऐसे मूव करना है यहाँ से यहाँ, तो आर विल बी, और एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई है ही नहीं, नहीं तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते, लेकिन ये जो है ये तो है ही नहीं, ये जीरो हो गया, तो आर विल बी इक्वल टू जस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो आर हमें मिल जाएगा, यू एक्स तो यू ही है, यू एक्स इज यू, और टी हमने यहां से निकाले टू एच बाई जी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या क्या वापस, यू जीरो तो नहीं है, यू तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, यू एक्स पूरा यू ही है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अब क्या क्या होता है, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, एक होता है वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, वेलोसिटी एट अ जनरल पॉइंट एक्स वाई, और एक्स वाई क्या होगा, ये सब बातें होती है ना, इतनी चीजें ही होती है, एट अ इंस्टेंट भी लिख सकते हैं, तो मतलब क्या हुआ, देखो यहां से ही गिर रहा है ऐसे, अब कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, मान लो ये इंस्टेंट है तो वी ऐसा दिखेगा, उसका वी एक्स होगा और एक होगा वी वाई, तो एक इंस्टेंट पे वी वी क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप माइनस, डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है ना, मैं माइनस प्लस बात पर ध्यान दूंगा, वी वाई जो भी वी जा वी वाई है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे आ रहा है, वी वाई जे कैप, सही बात है, अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वी एक्स विल बी इक्वल टू एट आफ्टर टाइम टी विल बी इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, दिस विल बी, लेकिन ए एक्स हमारा जीरो है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है चेंज ही नहीं होता है, वो यू एक्स ही रहेगा, और बाय चांस इसके अंदर यू एक्स ही यू है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब वी एक्स इज नथिंग बट यू, यू ही मिल गया जिससे हमने स्पीड में फेंके थे, ये हर उस पर सेम ही रहेगा, चेंज कौन होगा, वी वाई, क्यों चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटी है, तो वी वाई कैसे चेंज होगा, यू वाई प्लस ए वाई टी ऐसे चेंज होगा, अब हमें पता है वी वाई यू वाई क्या है, जीरो है, और ए वाई क्या है, माइनस जी है, और टी कोई एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टी की बात कर रहे हैं अगर हम, एट टाइम टी, तो ये हो जाएगा, तो वी हमें मिल जाएगा वी एक्स की जगह यू आई कैप आ जाएगा इस वी एक्स की जगह, और वी वाई की जगह यहां से हम लिख देंगे माइनस जी टी जे कैप, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी विद द डायरेक्शन आई कैप एंड जे कैप, ओके, और अगर मेरे को कोई इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे जो कि स्पीड हो जाएंगी, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हम ले लेंगे आई कैप के बाजू वाले का स्क्वायर माइनस जी टी का स्क्वायर विच इज प्लस जी टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारा फॉर द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और हर अगर आप अब ये जो एंगल है ये अगर थीटा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स थीटा है, तो हम देख सकते हैं टेन थीटा विल बी इक्वल टू, इसको अगर मैदान में अलग ले लूँ मैं, तो ये थीटा है, ये कंपोनेंट वी वाई है, ये कंपोनेंट वी एक्स है, आप ये वी वाई कंपोनेंट इधर सेम रहेगा, तो आप देख सकते हो tan थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट वी वाई बाई वी एक्स, ये बात सेम बात हमने कहाँ लिखे थे, प्रोजेक्टाइल में भी लिखे थे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे, तो बेसिक फंडा इसके फॉर्मूले याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो दो मिनट में प्रूफ करते आना चाहिए, अब इसमें एक और पढ़ ले लो आप, वेलोसिटी व्हेन
प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा तो क्या वेलोसिटी हो जाएगी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है जब ग्राउंड को हिट करेगा, तो कुछ तो वेलोसिटी रहेंगी उसकी। तो देखो सेम तरीके से हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है। अब आपको vx और vy निकालना है, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला यही है, vx इज द u ओनली। हां करेक्ट, vx इज द u ओनली और vy एक्सेलरेशन ने जितना बढ़ा दिया उतना बढ़ा दिया, तो वो फॉर्मूला एक्सेलरेशन से कितना, एक्सेलरेशन पता है आपको vy का, vy मतलब y का मूवमेंट देखेंगे तो h नीचे आ रहा है, तो बेसिकली इधर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू माइनस जी, क्योंकि वाई के अलॉन्ग माइनस जी है, एस इज माइनस एच। सही बात। तो यू वाई तो जीरो था और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आप देख सकते हो कि आपको मिल रहा है वी वाई इज नथिंग बट रूट टू जी एच जी कैप, और अगर मैं मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो अगेन आई हैव टू राइट यू स्क्वायर और इसका स्क्वायर विल बी विच विल बी टू जी एच, तो ये हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। मेन बात क्या है कि आप चीज़ों को ब्रेक कर लो वी एक्स और वी वाई में और फिर उनको इंडिविजुअली सॉल्व करो, उससे हर क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो या ना हो। बात समझ में आ रही है? अब हमें दिख तो रहा है ट्रेजेक्ट्रीज का क्या है, ट्रेजेक्ट्री हमें दिख रहा है कि ट्रेजेक्ट्रीज का पैराबोला है, लेकिन इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ, याद है एक्स और वाई में रिलेशन। तो अगर आप देखो कि एक्स का जो मूव, एक्स जो बढ़ रहा है उसके लिए सोलली यूएक्स जिम्मेदार है, यूएक्स टी, और यूएक्स इज नथिंग बट यू टी, और जो y हो रहा है उसके लिए u तो जिम्मेदार कुछ है ही नहीं, उसके लिए सोलली जिम्मेदार है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो अगर कोई पोजीशन वेक्टर पूछता मुझे तो पोजीशन वेक्टर क्या होता, r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो मैं x की जगह लिख देता यू टी आई कैप और y की जगह लिख देता माइनस जी टी स्क्वायर जे कैप, अगर कोई पूछता तो, पूछा नहीं है। अब मैं ये सॉल्व कर रहा था फॉर ट्रेजेक्ट्री। अब ये दो इक्वेशन मुझे मिल गए, एक से टी उठाओ, यहाँ से टी उठाओ, टी इक्वल टू एक्स बाई यू, और यहाँ पुट कर दो, तो वाई विल बी इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म है और एक्स स्क्वायर के बाजू नेगेटिव है, तो ट्रेजेक्ट्रीज पैराबोला अगेन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ये बस मैंने थोड़ा कुछ छोट कर दिया हो, ये पार्ट लास्ट में लिखना, बुक में लिखोगे जब कॉपी करोगे। ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला, और ये बहुत कनेक्टेड है पुराने टॉपिक से। चलो एक बार मैं एक ट्राई करके दो, क्वेश्चन ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। मोटरसाइकिल स्टंट, मोटरसाइकिल भगाते आ रहा है, क्लिफ पे पहुंचा है, क्लिफ है ये मोटरसाइकिल, ये कार्बन की जैसी भी, जैसी क्लिफ पे पहुंचा एज हिज वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वेलोसिटी ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल रहेंगी और स्पीड इसकी इधर है हॉरिजॉन्टल मतलब यू है 9 विच इज ऑल्सो यू एक्स, ठीक है। फाइंड द मोटरसाइकिल पोजिशन डिस्टेंस फ्रॉम द एज, फाइंड द मोटरसाइकिल पोजिशन, मोटरसाइकिल की पोजिशन करेंगी डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ एंड द वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकंड। अच्छा, वो गिर रहा है, ऐसा गिरना शुरू किया, तो हमें तीन चीजें निकालनी है, 5 सेकंड को मान लो इधर पहुंच गया,
इक्वल टू 5 सेकेंड पे इधर पहुंच गया। अब यहां पर मुझे निकालना है पहले मोटरसाइकिल पोजीशन, पोजीशन निकालना है। हाँ मतलब एक्स और वाई दोनों निकालना है। डिस्टेंस निकालना है, जैसी पोजीशन मिल जाएगा उसका मॉड ले लेंगे, ऐसा कुछ करके देखते हैं। फ्रॉम द एज, एज कितना डिस्टेंस है ये, तो मतलब डिस्टेंस का मतलब, अच्छा एज से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना हो गया ना, ठीक है। उसके बाद हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, तो हम वी में ब्रेक करेंगे वापस से वी एक्स और वी वाई, कर सकते हो ट्राई करो। ठीक है मैं भी करता हूँ, क्या टाइम जा रहा है। तो हमें सबसे पहले मोटरसाइकिल पोजीशन, तो मतलब बेसिकली मेरे को आर वेक्टर निकालना है, विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स जो ये एक्स है विल बी इक्वल टू यू एक्स टी, क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं दिया है और टी हमें दे दिया है। यू एक्स इज नथिंग बट यू यू टी, और इनिशियल वेलोसिटी हमें 9 दिया है, तो 9। और टाइम हमें दे दिया है, कितने टाइम के बाद निकालना है, टाइम इज 0.5, तो 9 × 0.5 विच इज इक्वल टू 9/2। वाई के लिए सोली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि डायरेक्ट वेलोसिटी इधर दिया है, तो वाई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नीचे लेके जाने के लिए वो ग्रेविटी है, तो वाई हो जाएगा माइनस यू टी यू वाई टी, यू वाई जीरो, यू वाई टी यू टी की जगह यू वाई टी वो जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर विच इज हाफ जी ए वाई टी स्क्वायर माइनस जी टी स्क्वायर माइनस हाफ 10 × टी इज अगेन 0.5 विच इज 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे लिखना है 5 हो गया, 0.5 को 1/2 लिख दिया बस, 5/4। तो हमें आर वेक्टर मिल गया एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी इक्वल टू 0.5। एक्स आई कल वाई जे रहता है और एक्स की जगह हम लिख देंगे 9/2 आई कैप 5/4 जे कैप। अब जो इसने बेसिकली इसने क्या बोला, डिस्टेंस फ्रॉम द एज, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ये डिस्टेंस ओरिजिन इसको मान लिया था हमने, और ये पॉइंट हमको मिल गए 9/2, 5/2 एक्स और वाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो एक इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है एक तरीके से 9/2, -5/2 मिलना चाहिए, नीचे आ रहा है ना, अगर ये ओरिजिन है तो माइनस साइन थी इधर बराबर है -5/4 सॉरी नीचे आ रहा है ना, ये ओरिजिन से नीचे गया हुआ है तो नेगेटिव मिलना चाहिए बराबर। तो डिस्टेंस हम ले लेंगे रूट ओवर ओरिजिन से निकालना है, तो 9/2 -0 का स्क्वायर प्लस 5/4 -0 का स्क्वायर, इसकी जो भी वैल्यू आ रही है डिस्टेंस है। अब वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी में भी दो पार्ट होते हैं, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। वी एक्स तो यू एक्स ही रहेगा और यू एक्स इज यू, तो यू आई कैप। वी वाई वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटी है अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर वाली बात प्लस 2as, ये वाले फॉर्मूले से यू वाई स्क्वायर गायब हो गया। हाँ तो इसको अलग ही निकाल लेते हैं, वी वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई, एस वाई की जगह y लिख देते हैं, मतलब y से कितना नीचे आया। तो ये तो वी वाई स्क्वायर ही हो गया, ये तो जीरो होता है, ये 2 है, ay इज माइनस जी
y कितना y से नीचे आया इस पॉइंट पे, तो हम देख सकते हैं 5 बाई फोर आया, नीचे आया बल्कि माइनस 5 बाई फोर। तो यहाँ से हमें वी वाई स्क्वायर मिल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 10 25, तो वी वाई हमें 5 मिल जा रहा, राइट। अब बच्चों वी एक्स मिल गया, वी वाई मिल गया, वी एक्स तो हमें पता ही है, वी एक्स तो यू एक्स ही होता है, इनिशियल से एंड तक लास्ट सेम ही रहता है, वो यू ही होता है, और वो हमें दिया था 10 दिया ना, नहीं 9 दिया, ओके। तो यू एक्स और वी एक्स हमें दोनों मिल गया, सॉरी वी एक्स और वी वाई हमें दोनों मिल गया, तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा, विच इज वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो ये है 9 आई कैप और वी वाई इज नथिंग बट 5 जे कैप, तो दिस शुड बी नेगेटिव बाय द वे। अच्छा नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, अच्छा मैंने ना ज्यादा थोड़ा लंबा कर दिया ना ये करके, इधर है ना माइनस 5 लेना पड़ेगा अपने को। एक्चुअली में मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, लेकिन बेहतर होता कि मैं वी वाई निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करता कि टाइम हमें गीवन था, टाइम हमें गीवन था, तो मुझे ये यूज करना चाहिए था टेक्निकली, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर भी आता, क्योंकि इधर प्लस माइनस दोनों आ रहा है, तो माइनस क्यों लेना है, यहाँ से हमें ज्यादा क्लियर हो जाता। वैसे माइनस ही लेना था क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये था, तो वी वाई नेगेटिव ही है, वी एक्स पॉजिटिव ही है, लेकिन देन ऑल्सो यहाँ से मुझे ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। ए वाई की जगह मैं माइनस जी ले लेता, और टी की जगह मैं डायरेक्ट जो गिवन टाइम है 0.5 ले लेता, तो मुझे 2 मिनट में आंसर आ जाता इधर, वी वाई इक्वल टू माइनस 10 इंटू, तो ऑलरेडी एग्जाम में टाइम बचाना है, मैंने टाइम है 9 क्या दिया टाइम 0.5, तो ये माइनस 5 इधर से भी आ गया, तो वही लिखा, तो आंसर तो सही था, लेकिन इट्स बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला। आपने ये यूज किए थे क्या? सॉरी उसको आगे सॉल्व करोगे तो आएगा, मैंने तो उसको रूट में छोड़ दिया, क्या रूट के अंदर जो मेरे है वो आपके है क्या, वो चेक करो। हाँ वो सब तो आया राइट है ना, मैंने आगे सॉल्व ही नहीं किया, राइट रहेगा ये, यहाँ तक सही तो कैलकुलेशन आगे भी सही रहेगी। ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, so I want to take screenshot of the question. Okay. इस क्वेश्चन को ट्राई, चलो सॉल्व भी करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, द वेलोसिटी, ये भी डायरेक्ट वेलोसिटी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, डिस्टेंस निकालना है। मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, मतलब सर लेट मी रीड द क्वेश्चन। अच्छा रीड करो, ये वो पहाड़ है, यहां से हॉरिजॉन्टल स्पीड से फेंके या के गिरा कर, क्या वेलोसिटी से ये पहाड़ की हाइट दी है 490 मीटर, क्या वेलोसिटी से यहाँ हिट करेगा, वी निकालना है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला है,
जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किए। अगर फॉर्मूला प्रूफ याद नहीं भी है, दो मिनट में प्रूफ हो सकता है। y चेंज हो रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट में, तो y इक्वल टू हाफ u, तो यू वाई तो है ही नहीं इसमें, यू वाई टी जीरो हाफ माइनस जी माइनस एच, नीचे नेगेटिव जा रहा है माइनस एच, तो यहां से ये प्रूफ हो गया। ये एक मिनट, ये एक मिनट, माइनस एच यहां आएगा, ये टी है सॉरी, माइनस एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो यहां से आपको फॉर्मूला प्रूफ हो गया है, तो ये पुट कर देंगे तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा था टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, ये वाला। एच इज ऑलरेडी गिवन ना 490, हां वो तो गिवन होना ही चाहिए, तो सब हो गया ना, एच भी पता है, जी पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। सेकंड क्या है, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, हिल से डिस्टेंस, मतलब इनडायरेक्टली रेंज का क्वेश्चन है। अब रेंज निकालने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ एक्स के कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू एक्स टी, और वो हर मोमेंट पे सेम ही है, तो यू एक्स टी इसमें एक्सेलरेशन का कोई रोल ही नहीं है, तो आर भी याद रखने की भी जरूरत नहीं, यू तो हमें पता है, और टी यहां से निकल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये फॉर्मूले में पुट कर दूंगी, ये भी आ जाएगा, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन निकला है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, तो यहां पहुंच के जो वेलोसिटी से वो हिट कर रहा है वो बताओ। ओके तो इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स एंड यू एक्स इज इक्वल टू यू एंड विच इज इक्वल टू 98 आई कैप हो गया, वी वाई इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटी, तो वी वाई आप निकाल सकते हो क्योंकि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो वी वाई पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लग रहा है ना इधर तक आने को, इज नथिंग बट माइनस हाफ, हाँ जी, जी की जगह माइनस लिखा बोल के, ये टी स्क्वायर है ना, इससे मिल जाएगा दो मिनट में, तो इधर ये जी भी पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से मिल गया, यहां पुट कर दूंगे तो ये भी आ जाएगा। चलो वैल्यू बताओगे मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा है। So I have a question, like we are taking vy as minus half gt, gt square, so it can also be v is equal to minus gt. V equal to minus gt. हाँ वो भी ले सकते, अरे ये मैं गलत ले रहा हूँ यार, क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, नहीं आप सही बोल रहे हो, मैंने y का फॉर्मूल लगा दिया, क्या मिस्टेक थी गलती वाली, ठीक है, vy should equal to minus gt, that's it, correct. ये तो दो मिनट में हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 आ रहा है, तो वी वाई विल बी इक्वल टू माइनस 10 इंटू 10 माइनस 100 हो गया, 9.8 भी आता है, अच्छा 9.8 लेना है, तो जी को 9.8 लेना पड़ेगा फिर, तो 98 हो जाएगा। ओके और यहां से रेंज आ जाएंगी, तो क्वेश्चन काफी सिंपल था, तो इसका मॉड लगा देंगे और क्या, अगर वेलोसिटी का मैग्नेट चाहे तो स्क्वायर स्क्वायर सेम टर्म है, तो ट्वाइस ऑफ 98 स्क्वायर हो जाएगा का रूट, 98 का स्क्वायर का रूट 98 रूट टू। अच्छा अगर ऐसा हो सकता है कभी वो डायरेक्शन पूछे, तो बेसिकली वो ये क्या पूछ रहा है, जिस वेलोसिटी से टकराया इधर वी है, तो उसका एंगल अल्फा बना रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंगल अल्फा पूछ ले, या तो डायरेक्शन बोला मतलब अल्फा पूछा है, बहुत बार ऐसा होगा, तो आप बोलोगे टेन अल्फा हमें पता है वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वी वाई और वी एक्स बाय चांस इस क्वेश्चन में सेम है, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं अगर मैं 98 98, तो ये वन हो गया, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, मैग्नीट्यूड नहीं लूंगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस 45 डिग्री, वैसे ही हम अगर देखें एंटी क्लॉक वाइज माइनस 45, क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव रहता है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, लेकिन हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कुछ लेना देना नहीं है, ये एंगल चाहिए इसलिए 45 डिग्री आंसर, समझा।
हो गया ना ये? हाँ ठीक है, ट्राई मैं करता हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दो बिल्डिंग्स हैं, 180 मीटर अवे, द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा ये 55 मीटर है। आई एम गेटिंग 60 मीटर्स। और यहाँ पर एक दूसरी बिल्डिंग है, अबाउ द ग्राउंड फ्रॉम वन बिल्डिंग थ्रू अ विंडो 10.9 अबाउ द ग्राउंड एंड द अदर बिल्डिंग। ओके यहाँ पर बिल्डिंग है, लेकिन हमारा प्रोजेक्टाइल ऐसा हम फेंक रहे हैं जहाँ से यहाँ जा रहा है, जो कि ये खिड़की में कोई है उसको देना है 10.9। तो क्या पूछा है, द फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की स्पीड कैसे होने की परफेक्टली वो यहाँ लैंड करे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 180 मीटर ट्रैवल कर रहा है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो 180 डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल भी एक्सेलरेशन नहीं, तो 180 इज इक्वल टू यू टी। यू हमें पता नहीं वैसे, ठीक है, और टाइम भी हमें पता नहीं है, ठीक है। सेकंड बात, तो यहाँ पर अगर देखें हम तो उसका टोटल एक्सेलरेशन हो रहा 55 माइनस 10.9 है ना, विच इज 44.1। तो यहाँ अगर मैं ओरिजिन मान लूँ तो y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये तो ज़ीरो है, y माइनस 44.1 है, माइनस हाफ जी 9.80 लेना है इधर भी, यहाँ से आपको टी स्क्वायर मिल जाएगा। तो सॉल्व किए होंगे आपने, क्या मिला टी स्क्वायर यहाँ से? I didn't do this way. अच्छा ठीक, मैं इसको एक बार से कर लूँ। I took range and range 180 meters था ना, तो T का formula 2H upon G and इसे T मिला तो फिर R is equals to UT. ठीक है, formula लगाए, चलो ठीक, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, T आपको पहले 3 मिला होगा ना, आपने time of flight का formula लगा दी होंगी इसका। फिर हाइट मान के टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट है, वो भी राइट है, ये भी वही है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ से आपको टी इक्वल टू 3 मिलाऊंगा, फिर रेंज इक्वल टू हमें पता है यू टी होता है, तो 180 इक्वल टू यू इंटू 3, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 60, राइट, 60 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। ठीक है यार, बहुत टाइम पास हो गया आज, चलो ठीक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। yes. ले लो। प्रोजेक्शन हो रहा है डायरेक्ट ऐसे, ये प्रोजेक्शन पढ़े थे कल टावर से। अभी हम लोग सेकंड केस लेंगे कि प्रोजेक्शन जो है वो भी कोई एंगल से हो रहा है, मतलब ये टावर है हाइट एच का, और प्रोजेक्शन भी कोई एंगल से आप फेंक रहे हो ऐसे, वेलोसिटी का कोई एंगल है थीटा, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, ये यू है मान लो, अभी हमने क्या किए थे, बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके गिरा दिए थे उसको लास्ट टॉपिक में, अभी हम एंगल दे रहे हैं, तो एंगल दे रहे हैं, दो कंपोनेंट आ जाएंगे, यू कॉस थीटा आ जाएगा एक, और ये साइड आ जाएगा यू साइन थीटा, और उसका जो ट्रेजेक्ट्री रहेंगी कुछ इस तरह से रहेंगी। करेक्ट, तो वही हमारी पुरानी बातें, मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स देखते हैं हम लोग, किसके, वेलोसिटी के, ये सब के। तो यू एक्स, तो अभी यू एक्स क्या होगा बोलो? यू एक्स विल बी यू एक्स, यू एक्स विल बी यू एक्स, नहीं अपने को यू दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, हाँ यू कॉस थीटा, राइट, एंड यू वाई यू साइन थीटा, ठीक है, तो दिख ही रहा है अपने को। अब इसमें ए एक्स क्या हो जाएगा और ए वाई क्या होगा?
ax 0 right ay will be minus gt minus g minus gt okay yeah. y बोल रहे थे आप ठीक है चलो हाँ तो आप जो बोल रहे थे वो सही है वैसे वो y के लिए हो जाएगा तो अगर हम इसमें भी वो सब चीजें निकालें कि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एवरीथिंग तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हम वो y वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जैसे लास्ट टाइम भी यूज किए थे अब फॉर्मूला क्या रहेगा y इक्वल टू यू वाई टी माइनस इज अ प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर अब y हमारा अभी भी यहां से हम यहां जा रहे हैं लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट y के अलॉन्ग क्या हो रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y क्या हो रहा है हाँ नेगेटिव हाँ नेगेटिव क्या वैल्यू मतलब मैं यहां से यहां पहुंच गया हूं तो y के अलॉन्ग मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया x के अलॉन्ग x के अलॉन्ग हाँ h के ना तो y की जगह क्या लिखूंगा मैं माइनस एच माइनस एच और यू वाई इज u sin थीटा t प्लस का हो जाएगा माइनस क्योंकि g आ जाएगा इधर माइनस g और t स्क्वायर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो सॉल्विंग इसको सॉल्व करने पे अभी इसको हम फॉर्मूला जैसे याद नहीं रखेंगे हम क्योंकि हम कितना याद रखेंगे चीजें इसको सॉल्व करने पे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा समझे ना या ओके अब दूसरा बात क्या हो सकती है कि हम ये रेंज मतलब ये कहा कितनी दूर जाएगा तो मुझे बता सकते हो आप ये जो रेंज अलोंग एक्स एक्सिस है उसको कैसे निकालेंगे हम यू टी ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इट शुड बी यू एक्स टी The velocity along the x component और यू एक्स टी क्या हमारा यू कॉस थीटा टी अब ये टी यहां से जो टी मिला आपको यहां से जो टी मिला अब रेंज है ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट मिला होगा टोटल टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां जाने को वो टी इसमें रख दोगे आप तो आपको रेंज मिल जाएगा तो वो पहले ही निकालना पड़ेगा उसके लिए भी ओके फिर वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर जो वेलोसिटी होने वाली है v उसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे लो यहां जब वेलोसिटी जो होने वाली है उसको कैसे निकालेंगे हम तो यहां पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रहेंगे vx i cap वी वाई जे कैप अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता है हर जगह वो सेम ही था यूएक्स यूएक्स वो ही इधर रहेगा तो वी एक्स इज यू कॉस थीटा और वी वाई इज इक्वल टू ये चेंज हो जाएगा अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में कामयाब हो गए हो तो आप इसे लिख सकते हो यू वाई प्लस ए वाई टी which is equal to vy equal to uy is u sin theta minus gt यहां से आपको v मिल जाएगा तो vx और vy मिल जाएगा यहां तो आपके पास दूसरा तरीका है अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट आपको नहीं निकालना है और आपके पास कुछ और चीजें गिवन है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो vy को vy square is equal to uy square plus 2ays s is along y तो s y लिख देता हूं मैं तो s y तो टोटल माइनस एच ही रहेगा और u y हमारा जो है वो है v y square will be equal to u y y के along initial velocity का component है u sin theta का square minus 2 g h की जगह sorry minus h तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप v y ऐसे भी निकाल सकते हो लास्ट में आपको इसका मॉड ले लोगे मॉड वी मैग्नेट ऑफ वी विल बी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर आपको स्पीड मिल जाएगी ठीक है yes,
स्क्रीनशॉट डन अब देखो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप टावर से फेंक रहे हो। अब मुझे आप फटाफट आंसर दो, आप टावर से फेंक रहे हो लेकिन आप ऐसे फेंक रहे हो, वेलोसिटी ऐसी है ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यू वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो इसका मोशन ऐसे हो जाएगा, ऊपर फेंक नहीं रहेगा, नीचे फेंक दिया आपने, तो मे बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी यू साइन थीटा। हां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सोच के बोलो, सोच के बोलो, बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ, बोलो यू इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, अभी क्या है, यू कॉस थीटा ही है ना, इट डजंट चेंज, और यू साइन थीटा ठीक है। हाँ बोलो अब जल्दी जल्दी बताओ, यू एक्स क्या है, यू एक्स इज यू कॉस थीटा एंड यू वाई यू साइन थीटा, व्हाट वापस रिपीट, यू साइन थीटा, अरे यू हैव टू बी एक्यूरेट, इस माइनस यू साइन थीटा, इसका जो था ऊपर था डायरेक्शन इसलिए प्लस में था, जो भी नीचे आएगा ग्रेविटी नीचे आती बोल के माइनस में ठीक है, यू हैव टू बी प्रिसाइज। ए एक्स ए वाई, चलो ए एक्स बोलो जीरो, ए वाई माइनस जी, माइनस जी, चलो ठीक है। अगर हमें इधर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो हमें पूरा एच को पास करना पड़ेगा, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा जल्दी बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपके पास आपको डिस्प्लेसमेंट टोटल y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, you want to find time and not h, h is given ना, h would be, h को गिवन होना पड़ेगा ना, तो ये आप सब निकाल पाओगे ना, h आपको गिवन है तो आपको क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मतलब then maybe we don't have the final velocity s equals to ut plus half, final velocity थोड़ी आती है वो फॉर्मूले में, उसके लिए इनिशियल आती है ना ut uyt ut plus half at square, आपको प्रिसाइज रहना पड़ेगा, आपके पास ये कहा जा रहा है ये नहीं पता, ये तो हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है हाइट उसकी ये थी तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है माइनस एच थे, इस केस में भी, इस केस में भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से और यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये मुझे पता है एंड पॉइंट्स डायरेक्ट, समझ में आ रहा है, तो एस वाई यूज करना था, क्योंकि बातें ना बार बार तीसरी बार रिपीट हो रही है, ये जो इसका तब रिविजन करोगे ना आप खुद इसको ट्राई करना प्रूफ करने के लिए तो कभी भूलोगे नहीं। अब यू वाई क्या हो गया, माइनस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ इसको सॉल्व करने पे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा ठीक है। अब मुझे रेंज निकालना है, आर कितनी दूर जाएगा, क्या कैसे निकालेंगे, कौन है रिस्पॉन्सिबल यू आर के, राइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ यू एक्स टी, और यहाँ से जो टी मिला उसको उठा के इधर पुट कर देंगे, तो आर विल बी इक्वल टू यू एक्स विच इज यू कॉस थीटा टी। अब हम लोग निकालेंगे अगर इधर वेलोसिटी निकालना है वी, इस पे वी पहुंच गई है तो कौन से, तो बोलो क्या करूं मैं, वी को कंपोनेंट्स वी इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई क्या, ठीक है आगे वी एक्स क्या है, वी एक्स इज सेम यू कॉस थीटा, परफेक्ट, वी वाई इफ टाइम इज गिवन, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता है तो वी वाई कैसे निकालेंगे, ठीक है वी वाई तो निकालना है, यू वाई क्या है, यू वाई माइनस यू साइन थीटा स्क्वायर प्लस टू ए वाई माइनस जी, ठीक है और एस वाई एच माइनस एच, एच ले लोगे आंसर गलत आ जाएगा, समझ रहे हो ना, आंसर गलत हो जाएगा ना, आप ये माइनस एच लोगे तो ये चीज प्लस होंगी, आप प्लस एच ले लोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर एकदम गलत आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देना।
स्क्रीनशॉट डन ट्राई करूंगे. ओके ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी इसकी 20 दी है, देन ये 37 है, 37 है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी 20 cos 37, cos 37 इज 4 by 5 into 20 is 16. वैसे ही ये हो जाएगा 20 sin 37, 3 by 5, 12. तो हमें हमारी इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग 16 है और y के अलोंग 12 है. अब हमें एक फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है स्पीड, दिस वन. तो स्पीड फर्स्ट पार्ट एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या रहेंगे, तो हमें पता है v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. वी एक्स नथिंग बट यू एक्स विच इज इक्वल टू 16, चेंज नहीं होता है पूरे रास्ते में. यू वाई कम एक्स का कंपोनेंट, एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट वेलोसिटी चेंज नहीं होती है. ठीक है, अब वी वाई अगर बोले तो यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला यू वाई प्लस ए वाई टी. तो यू वाई हमें पता है 12 है, माइनस जी 10 और टी इज 3, तो आपको मिल जाएगा माइनस 18. ओके, तो वेलोसिटी वुड बी वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, वेलोसिटी विल बी 16 आई कैप यहां से और यहां से माइनस 18 जे कैप. अब हमें स्पीड पूछा, वेलोसिटी नहीं पूछा, तो मैग्नीट्यूड निकालना है इसका. 16 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो भी आ रही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट ओके, अब उसका जो मूवमेंट है वाई का अलोंग कैसा भी जाए, ऐसा जाए या ऐसा जाए या ऐसा जाए, उसका वाई का डिस्प्लेसमेंट माइनस 12 ही हो रहा है, ये पक्का है. तो एस वाई हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा करेंगे, माइनस 12 हो रहा है. तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरा हमें टाइम, अच्छा तो टी सॉल्व करना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है पूरा माइनस 12, यहां से लेके यहां तक गया तो वाई के अलोंग से माइनस 12 हुआ. तो एस वाई के अलोंग मतलब वाई के अलोंग इट इज माइनस 12, यू वाई हमें पता है यू वाई इज 12, टी हमें निकालना है प्लस हाफ माइनस 10, ए वाई इज नीचे टी स्क्वायर वो हमें निकालना है. इसको सॉल्व किया आंसर आया. No, I did the first sum because I had taken. ठीक है ठीक है ठीक है, that will be fine वैसे. इसको सॉल्व करना है, थोड़ा ये स्प्लिटिंग वाला दिख नहीं रहा है फंडा, तो हो सकता आंसर गलत है, मतलब गलत मतलब अजीब आए, जैसे माइनस बी हो गया, बी था प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए. आंसर आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे मिल गया हमें रेंज मिल जाएगी. थर्ड क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कितना गया, तो ये पूरा डिपेंडेंट होगा एक्स के अलोंग जा रहा है तो दिस विल बी इक्वल टू, और एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी पे डिपेंड होगा यू एक्स इंटू टी. तो यू एक्स हमारा है 16 और टी हमें गंदा सा आया, इसमें माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस से वो नेगेटिव हो रहा होगा. इसकी वैल्यू अगर मैं लिख दूं 12 प्लस वाल लेंगे रूट ओवर 384 होता है ये अपॉन 10. तो यहाँ 16 इंटू ये पूरा का पूरा टी ए उठा के रख देंगे, थोड़ा आंसर अजीब है, सबके वैल्यू अच्छी नहीं दी है. ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, ये आया आपको नो लॉजिक लगाओ, हो सकता है
तो मैक्सिमम हाई सर एक्चुअली माय योर ईयरफोन्स गॉट म्यूटेड व्हाट डिड यू से आई डिडंट हियर हिम फोर्थ क्वेश्चन क्या है मैक्सिमम हाइट निकालना है आई डिडंट सी द फोर्थ क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट निकालना है ठीक है मैक्सिमम हाइट मतलब ये गया यहाँ से यहाँ पर यहाँ वो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर मैक्सिमम हाइट मिल जाएंगी आपको यहाँ जो पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है तो आप इसको ऐसा क्वेश्चन बना दो कि नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फर्स्ट वाला जो तो हॉरिजॉन्टल वाला उससे आपको ये हाइट मिल जाएगी ट्वेल्व ऐड कर देंगे तो वो हॉरिजॉन्टल वाला अटके बैठे होंगे याद है क्या मैक्सिमम हाइट का निकल जाए उसको यू आई स्क्वायर ये सब लर्न करना होगा यू आई मतलब अलोंग वाई या तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वो रहता है अब यू आई हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ऊपर इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं सर आई हैव अ क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ यू नो यूजिंग दिस फार्मूला वी नो एट मैक्सिमम हाइट व्हेन इट फॉल्स डाउन बैक वेलोसिटी इज टेंपरेरली जीरो सो हां वो वही तो बात है यही तो है फार्मूला वही से आया है लेकिन आपको आप हां वही से तो आया है अगर आप इसको देखो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यही से है इसको हमने जीरो कर दिया है तो यही मिलेगा देखो ओके तो फॉर्मूला वही से है और अभी आपको ना स्टार्टिंग के जो बेसिक प्रोजेक्टाइल के कुछ मेथड है ना प्रोजेक्टाइल बेसिक वाला उसके आपको फॉर्मूला एकदम इसके याद कर लो बस बाकी हम प्रूफ कर लेंगे टाइम बचाने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा okay. थोड़ा कॉम्प्लेक्स आया तो हम प्रूफ कर लेंगे उसके बेसिक वाले की यादों को फटफट फट होने के लिए टाइम बचाने तो इसकी वैल्यू आ गई हमें मैक्सिमम हाइट ये है एच की वैल्यू आई तो एक्चुअल हाइट तो ये है टावर मिला के तो एच विल बी इक्वल टू टावर की हाइट 12 प्लस 7.2 तो दिस वुड बी द आंसर थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट हो गया फिफ्थ पार्ट पे आते हैं स्पीड बिफोर जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ओके स्पीड बिफोर जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हमें टाइम भी हमारे पास और एस भी ये दोनों है क्या बोले या सो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट्स ओके फाइन राइट 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 तो वी एक्स तो हमारा यू यू एक्स ही होता है विच इज गिवन क्या था 12 था ना ये 12 है तो 16 होगा ये 16 है ये लिखा है और वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी यू वाई हमें दिया है 12 माइनस 10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट अरे टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत गंदा यार टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत गंदा है ये पुट करने में अपन परेशान हो जाएंगे ना तो बेटर टाइम ऑफ फ्लाइट अच्छा नहीं है तो बेटर हम लोग है ना दूसरा फॉर्मूला यूज करें दूसरा कौन सा यूज करेंगे बताओ तो यहाँ से आपको वी वाई मिल जाएगा वी एक्स तो मिल गया वी वाई यहाँ से मिल जाएगा VY का एक शॉर्टकट बताता हूं मैं ये लेंदी आ रहा है देखो सुनो इधर आ जाओ वापस V इक्वल टू वी एक्स आई कैप थ्योरी में देख लो एक चीज ऐड कर लेते तो हम जब मॉड V निकाल रहे तो हमें मिल रहा है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और हमें ये फॉर्मूले के हिसाब से पता है कि वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u square sin square theta plus 2gh और vx square हमें पता है vx is u cos theta तो इस vx की जगह आ जाएगा u cos theta का whole square और इस vy square की जगह आ जाएगा u square sin square theta plus 2gh तो better इसको आप याद कर लो यार क्योंकि complex हो रहा है तो u square बाहर निकला cos square plus sin square 1 हो गया तो देखो एकदम सिंपल फॉर्मूला ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड
समझा, प्रूफ समझा? यस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही लगा लेते तो फटाफट हो जाएगा अपना, इतनी मेहनत बच जाएगी हमारी, क्योंकि हमें मैग्नेट पूछा है तो डायरेक्ट वो निकाल लेते, वो कर लेते। स्पीड पूछा है ना तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 10 थी क्या, 20 थी, 20 थी, 20 स्क्वायर टू 10 एच 12, ये आ गया आंसर। समझ में आया ना, ये याद रख लो बेटर है। सर आई एम कंफ्यूज्ड एज ऑफ नाउ। तुमको प्रूफ समझ में आया क्या है? नहीं समझाता है प्रूफ, देखो ये प्रूफ को देखो ध्यान से, वी एक्स की जगह यू कॉस थीटा लिख दिया हूं, या और वी वाई स्क्वायर की जगह ये लिख दिया हूं, तो ये हुआ क्या, यहां से यू स्क्वायर कॉमन निकला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच, तो ये हो गया वन, तो ये फॉर्मूला बन गया यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ओके ओके, इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी, हाइट, डायरेक्ट ये रट्टा मार लो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप भी चलते रहो। तो अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 10 कॉस 37 एंड 10 साइन 37, कॉस 37 इज 4 बाय 5, 8 हो जाएगा, और ये 3 बाय 5, 60। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वुड बी, वही हमारा ये एस वाई का फॉर्मूला, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस, ये प्लस लिखते बाद में सब डालते साइंस, टी स्क्वायर। अब एस वाई हमें पता है कि कितना जा रहा है, वाई के लॉन्ग माइनस 11, माइनस 11 यू वाई, यू वाई है ये भाई, यू वाई इज माइनस 6, माइनस 60, माइनस 6 लिखे थे ना, ये गलती तो नहीं की है ना, क्या प्लस 6 कर लिए, देखो फादर। फातिमा फातिमा बताओ सही लिखे थे क्या, फिफ्टी फाइव इलेवन टी माइनस फाइव टी, माइनस वन कुछ तो गड़बड़े दया, गलत कर रहे लो मैं ना, ये माइनस, अच्छा माइनस था, ओके टी माइनस वन, फाइव टी प्लस वन इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू वन एंड टी इक्वल टू माइनस 11 बाय 5 विच कैन नॉट बी पॉसिबल, हेंस द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1। सही जवाब बी, ए पार्ट हो गया। बी क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यू एक्स, टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल टाइम में टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना जा रहा है, तो यू एक्स इज फिक्स ऑल अराउंड द क्लॉक विच इज 8, 8 और टाइम ऑफ फ्लाइट 1 है तो ये 8 हो गया, चलो 8 मीटर। सी स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हेलो फातिमा इधर क्या करूं बताओ, वही शॉर्टकट यूज करो,
वो शॉर्टकट वैलिड है इधर भी, यू इज 10 स्क्वायर 2 जी एच 11, यहाँ जो भी आंसर आ रहा है 220 + 100 = 420. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, I don't think I can do this question. Out of the box अगर सवाल आया तो try करने का, ठीक है। चलो, a fighter plane moving with a speed of 50 root, fighter plane इससे जा रहा है 50 root 2 की speed से, angle है 45 degree, तो हमें मिल जाएगा ये 50. No sir, fighter plane is moving straight upward ना? आगे आगे मैं जा रहा हूँ, पहले मैं उसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। cos 45 is 1/√2, तो 50 हो जाएगा, और 50√2, sin 45 is 1/√2, ये √2 1/√2, ये भी 50। चलो, ऊपर भी 50 की स्पीड है प्लेन की, नीचे भी 50 की। अब वर्टिकल, ठीक है ना। अच्छा, विद द वर्टिकल 45 डिग्री विद द वर्टिकल दिया था, चलो हम बच गए। वर्टिकल भी दिया तो हॉरिजॉन्टल भी वही होने वाला है, चलो ठीक है, क्योंकि 45 होगा। अगर 60 डिग्री होता वर्टिकल से तो हम फंस जाते, क्योंकि 30 डिग्री हो जाता, तो मेरा वो रॉन्ग हो जाता, लेकिन 45 तो मैं बच गया, ठीक है। विद वर्टिकल रिलीज द बॉम्ब। अब इसने जब देखो फाइटर प्लेन जा रहा है, उसने बॉम्ब रिलीज कर दिया है, तो जो बॉम्ब है ना उसका, वो ये वेलोसिटी रिटेन करेगा, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा। अभी समझ में आ रही बात? Yeah. ये बॉम्ब ऐसे जाएगा, और कुछ नहीं दिया है ना। मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉम्ब अबव द ग्राउंड, ये पूछा है। डायग्राम एक्चुअल में कट हो गया, रुको देखता हूँ डायग्राम। ये हाइट हमें डायग्राम में दिए 1000 meters, ओके। तो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द, तो ये हमें वही क्वेश्चन हो गया कि एच निकाल के हमको इससे ऐड कर देना, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, ऐड कर देंगे हम, और सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। और मैक्सिमम हाइट में ये हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट में अब 3-4 बार निकाल चुके हम लोग ऐसा क्वेश्चन। बातें में इसमें लर्निंग क्या है कि जब कोई प्लेन ऊपर जा रहा है, प्लेन जा रहा है, उसने बॉम्ब छोड़ा, तो जो प्लेन की वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी बॉम्ब कैरी करेगा उसी डायरेक्शन में, वो अलग बात है, ग्रेविटी की वजह से उसका मूवमेंट चेंज होगा। अगर कोई चीज मूव हो रही है, उस पे कोई चीज रखी हुई है, और वो मूव होना एकदम से, आपने जो मूव हो रही है चीज उसको रोक दोगे, तो जो उस पे रखी हुई चीज थी वो अचानक आगे जाएंगी, है ना, वही वेलोसिटी से जाएंगी जिससे ये मूव हो रहा था। वेलोसिटी रिटेन हो जाती है, एक्सेलरेशन रिटेन नहीं होता है, वेलोसिटी रिटेन हो जाती है बॉडी की, एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो यहां पर वेलोसिटी से बॉम्ब ने रिटेन कर दिया, इसको तुम कर सकते हो खुद से ना, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। या सो खुद से करो। नो बट हाउ विल वी फाइंड, अच्छा हाउ डिड यू गेस 1000 meters एज एस? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं भाई, कि ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉपर ये डायग्राम गायब है ना, ये 1000 लिखा है, ओके। टोटल हाइट मतलब ये मिला के बोल रहा हूँ, ये मिला के आंसर है 1125 टोटल हाइट, कंपेयर कर लेना एक बार, राइट है क्या?